क्या आपको ये बात पता है कि अमेज़न जंगल को दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक माना जाता है। ये जंगल दक्षिण अमेरिका में मौजूद अमेज़न बेसिन के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इसके साथ ही इस जंगल में हजारों किस्म के पौधे, पशु पक्षी और 25 लाख कीटों की प्रजातियां मौजूद हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। पहली बात तो ये जंगल इतना बड़ा है कि ब्रिटेन और आयरलैंड जैसे देश इसमें 17 बार फिट हो सकते हैं। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जंगल कितना बड़ा होगा। इसके साथ ही ये जंगल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। इसमें ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनाम और फ्रेंच गुआना शामिल है और इसका 60% हिस्सा ब्राजील देश में स्थित है। और दूसरी बात ये कि ये जंगल इतना बड़ा है कि ये पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल के उत्तर में अमेज़न नदी बहती है जो सैकड़ों जलमार्गों का नेटवर्क है। इसके साथ ही ये नदी 6,840 किलोमीटर तक फैली हुई है। हालांकि इस नदी को लेकर कई बार इस बात पर भी विवाद हो चुका है कि ये नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दें कि अमेज़न जंगल को लगभग 400 से 500 स्वदेशी अमेज़ोरियन जनजातियों का घर भी माना जाता है, जिसमें से 50 जनजातियों का तो बाहरी दुनिया से कभी भी कोई रिश्ता नहीं रहा है। इसके अलावा इस जंगल में करीब 40,000 पौधों की प्रजातियां, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां, 3,000 तरह की मछलियां, 430 तरह के स्तनधारी और 25 लाख तरह के कीट मौजूद हैं। इसके साथ ही ये जंगल दुनिया के सबसे दिलचस्प और खतरनाक जीवों का भी घर है। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक ईल, मांस खाने वाली पिरान्हा मछली, जहरीले मेढक, जैगुआर और कुछ सबसे जहरीले सांप भी शामिल हैं। इस जंगल के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बता दें कि यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प मछली की प्रजाति पाई जाती है जिसे पिरारुक नाम से जाना जाता है। ये मछलियाँ दूसरी मछलियों को पालने के बहाने खा जाती हैं और ये मछलियाँ 3 मीटर तक लंबी हो सकती हैं और इन मछलियों के जीभ और मुंह दोनों जगहों पर दांत होते हैं। जहाँ तक इस जंगल की सुंदरता की बात की जाए तो ये जंगल घने पेड़ों से ढका हुआ है, जिसकी वजह से इस जंगल ने पेड़ों की मदद से अपने लिए एक छतनुमा सा तैयार कर लिया है और इतनी मोटी परत बना ली है कि बारिश के पानी को नीचे पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। बता दें कि मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने साल 2007 में अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को तैरकर पूरा किया था और अपनी एक नई मिसाल कायम कर ली थी। बहरहाल आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।